खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। कहते हैं कि चैंपियंस प्रतिकूलता में अलग व्यवहार करते हैं। चैंपियंस रिएक्ट डिफरेंटली टू एडवर्सिटी। रोनाल्डो के जीवन से इसके दो एग्जांपल्स देखते हैं। 2016 में पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस के बीच यूरोलीग चैंपियनशिप का फाइनल मैच था। फिर 7वें मिनट में फ्रांस का डिफेंडर जबरन रोनाल्डो से भिड़ा। जमीन पर गिरते ही रोनाल्डो को समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई। घुटने में चोट आई थी। रोनाल्डो को मैदान से बाहर ले जाया गया और चोट की जांच की गई। अब तक पूरे टूर्नामेंट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बेहतरीन खेल दिखाया था और फाइनल में फ्रांस जैसी दिग्गज टीम को हराने का दारोमदार भी उन पर था। चोटिल रोनाल्डो ने कहा, मैं खेलूंगा। फिजियो ने टेप और बैंड लगाया। रोनाल्डो दोबारा मैदान पर पहुंचे। थोड़ी देर खेल चला, लेकिन फिर रोनाल्डो को उसी घुटने में दर्द हुआ। रोनाल्डो दोबारा बाहर आए, इलाज कराकर दोबारा मैदान पर गए, लेकिन तीसरी बार रोनाल्डो को ले जाने के लिए स्ट्रेचर आया। इस दौरान रोनाल्डो की आंखों में आंसू थे। वे कहते हैं कि मुझे लगने लगा था कि देश का यूरोपियन चैंपियन बनने का सपना टूट जाएगा, लेकिन फिर कुछ हुआ। रोनाल्डो हाफ टाइम में टीम से मिले और सबको यकीन दिलाया कि अगर मिलकर लड़े तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। रोनाल्डो के एटीट्यूड से टीम में नया जोश आया। इतना ही नहीं, मैच के दूसरे हाफ में रोनाल्डो ने असिस्टेंट कोच का काम किया। मैदान की साइड लाइन से रोनाल्डो लंगड़ाते रहे और टीम को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। जब मैच खत्म हुआ तो पोर्चुगल एक गोल से फ्रांस से जीत चुका था। आखिरी सीटी बचते ही टीम ने दौड़कर रोनाल्डो को गले लगा लिया। उस दिन लोगों ने रोनाल्डो के अंदर फुटबॉल के लिए पैशन और अपने देश के लिए प्यार देखा। और लोगों ने देखा कि विपत्ति में जहां आम लोग टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, वहां चैंपियंस एड़ी, चोटी और घुटने का जोर लगा देते हैं। इस माइंडसेट की वजह है सेल्फ बिलीफ। अगर रोनाल्डो को खुद या टीम की काबिलियत पर जरा भी शक होता तो वे हार मानकर बैठ जाते और सोचते कि चलो कम से कम फाइनल तक तो पहुंचे। मुझे चोट लगी है, मैं और कर भी क्या सकता था। विपत्ति का ही एक बेहद पर्सनल एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 2003 में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए। 2005 में उन्हें मैचेस में ज्यादा समय और मौके दिए जाने लगे। फिर 2005 में रोनाल्डो के सबसे बड़े सपोर्टर उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता को शराब की लत थी और वो पिछले कई दिनों से बीमार थे। रोनाल्डो ने किसी तरह खुद को संभाला और वे अच्छा खेल दिखाते रहे। फिर 2005 में रोनाल्डो की माँ की तबीयत खराब रहने लगी। टेस्ट के बाद पता चला कि माँ को कैंसर है। रोनाल्डो को डर था कि कहीं पिता की तरह माँ भी उन्हें अकेला छोड़कर ना चली जाए। इसी बीच रोनाल्डो के बड़े भाई भी ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके थे। परिवार को संभालने की जिम्मेदारी परिवार के सबसे छोटे बच्चे रोनाल्डो पर थी। जब समय मिलता तो वे इंग्लैंड से फ्लाइट पकड़कर घर आ जाते। कीमोथेरेपी के दौरान उन्होंने पूरा समय माँ के साथ बिताया। इन सब मुश्किलों के बावजूद रोनाल्डो ने अगले सीजन में यानी 2007 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने मैनचेस्टर के लिए सबसे ज्यादा 42 गोल किए। उस साल रोनाल्डो ने बैलन डी'ओर, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर और कई सारे अवार्ड जीते। ऐसा क्यों होता है कि चैंपियंस विपरीत स्थितियों में और ऊपर उठते हैं? इसका जवाब है सेल्फ बिलीफ। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है तो हर विपरीत स्थिति में मौका होता है जहां आप छिपे हुए नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हटा सको, यानी अपने माइंडसेट को और बेहतर कर सको। इसलिए चैंपियंस विपरीत विकट स्थितियों के बावजूद और ऊपर उठते हैं। और सेल्फ बिलीफ की रोनाल्डो में कोई कमी नहीं है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वेन रूनी कहते हैं कि अगर इस दुनिया में किसी इंसान में रोनाल्डो से ज्यादा खुद पर भरोसा है तो मैं उस इंसान से अभी तक नहीं मिला हूं। 2006 में रोनाल्डो ने सितारों से भरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में ऐलान कर दिया कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनना चाहता हूं। दोस्तों, अनुभवी प्रोफेशनल प्लेयर्स के सामने ऐसी बात केवल वही कर सकता है जो या तो सरफिरा हो या जिसे अपने ऊपर पूरा यकीन हो। पूरा यकीन मतलब जो कहा है, जो सोचा है, वो मैं कर जाऊंगा। वेन रूनी अपनी किताब में यही कहते हैं कि ये सब बातें नहीं थी। जब अगले साल 2006 में मैंने रोनाल्डो को देखा तो वो मस्कुलर और बड़ा लग रहा था। उसका खेल भी बेहतर हो चुका था। इसका मतलब उस साल पहले उसने क्लब के लिए खेला, फिर वर्ल्ड कप खेला और उसके बाद मसल्स बढ़ाने के लिए अलग से वेट ट्रेनिंग की। ऑफ सीजन में जब प्लेयर्स ब्रेक पर थे तब रोनाल्डो ने अपने खेल को नया आयाम दिया। जो कहा है, जो सोचा है,
वो कर जाऊंगा। यह है सेल्फ बिलीव की सही परिभाषा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि मैं अपने मन में मानता हूं कि मैं बेस्ट प्लेयर हूं। अगर आप नहीं मानते कि आप बेस्ट स्टूडेंट हो या आप बेस्ट बिजनेसमैन हो, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि माफ कीजिए, लेकिन आप में कोई एम्बिशन नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं, आई हैव टू थिंक दैट आई एम बेस्ट इन माई जॉब। इस सोच का मतलब ये है कि शायद आप अभी बेस्ट ना हो, लेकिन आपको विश्वास करना है और वैसे ही परफॉर्म करना है। दोस्तों, आप मान लो कि श्रेष्ठ बनने की सारी योग्यताएं आप में हैं, आप सच में बेस्ट स्टूडेंट हो, तो आप इस समय क्या करोगे, कैसा महसूस करोगे, आपकी क्या प्लानिंग होगी, पूरे दिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट कैसा होगा, आप अपनी गलतियों को कैसे सुधारोगे। बस फिर अपने एक्शंस और शब्दों से विश्वास को हकीकत में बदलते जाओ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बचपन से यही कर रहे हैं। रोनाल्डो के गॉडफादर कहते हैं कि छोटे में रोनाल्डो बाकी सब बच्चों जैसा ही था, बाकी बच्चों की तरह ही वो खेल कूद करता, लेकिन एक गुण था रोनाल्डो में जिसने समय के साथ अपना रंग दिखाना शुरू किया। वो बहुत पैशन से खेलता था, बाकी बच्चे थक के बोर हो जाते, लेकिन रोनाल्डो पूरा दिन खेलता। इसी वर्क एथिक के कारण क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बेमिसाल सेल्फ बिलीफ पैदा किया। 12 साल की उम्र में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्क एथिक अलग था। उस समय के टीममेट क्रिस्टोफर पाइलर कहते हैं कि रोनाल्डो हम लोगों से इसलिए अलग नहीं था कि वो ट्रेनिंग सेशन में हम लोगों से ज्यादा मेहनत करता था। वो अलग इसलिए था क्योंकि वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, सबके जाने के बाद, अलग से ट्रेनिंग करता और हर दिन अपनी कमियों पर काम करता। वो जिस पैशन से ट्रेन करता, जिस तरह से खुद को मोटिवेट करता, उसकी बेहतर होने की इच्छा सबसे इंटेंस थी। उसने बचपन में ही सेल्फ बिलीफ पक्का कर लिया था कि अगर वो मेहनत कर सकता है, अपने शरीर और मन को अभ्यास में लगा सकता है, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। यही उसके सेल्फ बिलीफ की जड़ है। दोस्तों, समरी में सबसे पहले, अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है तो हर विपरीत स्थिति में मौका होता है जहां आप छिपे हुए नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हटा सको, यानी अपने माइंडसेट को और बेहतर कर सको। इसलिए चैंपियंस विपरीत विकट स्थितियों के बावजूद और ऊपर उठते हैं। अगर आप नहीं मानते कि आप अपने काम में बेस्ट हो, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि माफ कीजिए, लेकिन आप में कोई एम्बिशन नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए विश्वास करो, आप में अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा यूट्यूबर होने के लिए सारे गुण मौजूद हैं। तो इस समय आप क्या करोगे, कैसा महसूस करोगे, आपकी क्या प्लानिंग होगी, आप अपनी गलतियों से कैसे सीखोगे, पूरे दिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट कैसा होगा। बस फिर अपने एक्शंस और शब्दों से विश्वास को हकीकत में बदलते जाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैरी कॉम के एटीट्यूड पर वीडियो देखिए, देखिए कि असली मेहनत का मतलब क्या होता है। इस वीडियो के बाद आप मेहनत से शिकायत करना बंद कर देंगे। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।